आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल प्रोग्रामेशन रिपोर्टिंग में दूसरा पार्ट वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, इस कोर्स को हम यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। अब इस चीज को जानना जरूरी है कि आखिर है क्या, क्यों इसका हम सीख रहे हैं और कैसे सीखेंगे, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात जानते हैं कि आखिर है क्या। तो आप अगर एक्सेल यूज करते हैं तो आपके मेनू बार में बहुत सारे ऑप्शन है जो कि इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया हुआ है, आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा काम आया जो माइक्रोसॉफ्ट जो इस एक्सेल के अंदर में इनबिल्ट नहीं है, तब क्या, उस समय क्या होगा? समझे मैं क्या करना चाह रहा था? जैसे कि आप जो है वी लुकअप यूज करते हैं वी लुकअप का काम है डेटा को लुकअप करना। तो जैसे कि मैं मुझे पूजा का जैन का सेल चाहिए, तो आपने यहां लगाया पूजा और यहां पर कोई बात नहीं होता है, हमने वी लुकअप लगाया और वी लुकअप में हमने यहाँ पे दिया और कॉमा टू कॉमा जीरो। ये तो हमारा इनबिल्ड है, हमने अप्लाई किया, बट मेरे डेटा में पूजा इन द मल्टीपल टाइम्स, मुझे इसमें हर हर की रिपोर्ट चाहिए कि 72, 10, 45, 42 इस तरह से। अब इस फंक्शन इस चीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि एक नया फॉर्मूला बना देंगे। जी हाँ, एक नया फॉर्मूला यहां पे देंगे कि फंक्शन देखिए। अब कैसे बनाएंगे हम बात करते हैं, पहले हम बस यूज आपको इसकी क्या बोलते हैं इंपोर्टेंस आपको समझा रहे हैं। मैंने यहां पर कर दिया ऑल लुकअप, ए लुकअप कर देता हूं, यहां पे एन एज ए वेरिएबल, आर एज ए रेंज और सी कॉलन एज ए इंटीजर, और सिंपल सा हमने यहां पे रिंट के एज ए रेंज फोर एच के इन आर और के डॉट वैल्यू यहां पे इक्वल करता हूं एच के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन देन यहां पे रिजल्ट के लिए हम यहां पे कर देते हैं डिम डी एज ए वेरियंट इक्वल टू बी के साथ एन परसेंट के डॉट ऑफसेट ऑफसेट कॉमा सी हमने यहाँ पे ब्राइगेट ले लिया डॉट वैल्यू और यहाँ पे हमने एडिट और नेक्स्ट के कर दिया और लास्ट में हम देते ए लुकअप इक्वल टू ए डी डी इज द फाइनल रिजल्ट है। अब मैं यहाँ पे ए लुकअप फॉर्मूला जो कि मैंने बनाया है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा और अच्छा वीवी केस सेंसिटिव होता है समझ में आप लोगों की नहीं सर कि इसका क्या यूज है वीवीए का तो इसमें क्या
रिपीट वंस मोर सर। सर एक कोड मैंने क्या किया इसको बारे में मत जानिए आप, क्योंकि ये तो आगे की चीजें हैं, मैं कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हम आपको बता रहे हैं सिचुएशन कि हम बीबी का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करेंगे, समझ गया? तो मैंने बोला कि जो फीचर्स हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल नहीं है उसके लिए हमने क्या किया, बीबीए में गए, अपने हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट हमने कोड लिखा, हमने फॉर्मूला बनाया। तो हम इसी तरह से और भी नए कमांड्स बना सकते हैं जो कि कमांड ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी कमांड को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर उसी से उसके अंदर जो खामियां है उसकी मदद से उसको दूर करके एक नया चीजें बना सकते हैं, ठीक है? तो सिचुएशन समझिए इसको कि यूज हम करते हैं, हमारे पास एक्सेल जो फीचर नहीं है या है तो लेंदी है उसी के लिए। इससे इसके कहने का मतलब मेरा है कि आप प्रेफरेंस देंगे एक्सेल की फीचर्स, अगर वो फीचर्स एक्सेल में है तो उसके लिए आप वीवीए कोड नहीं करेंगे। तो प्रेफरेंस एक्सेल को देने की बात हो रही है ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो प्रोग्रामिंग हमने किया तो ये प्रोग्रामिंग अगर आपको मैं मेल करूंगा ये फाइल, अगर आपका सिक्योरिटी जो है डिसेबल होगा, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, अगर आपने एनेबल नहीं किया हुआ है तो ये फीचर्स आपके सिस्टम पे नहीं चलेंगे, आपको अनेबल करना पड़ेगा। जैसे ओपन करेंगे आपको सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा, आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि फाइल आप अपने लिए बना रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने ऐसी फाइल में माइक्रो का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पब्लिश होती है, मतलब कि सेंड की जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने मान लीजिए 50 लोगों को भेजा तो 50 लोगों में से ऐसा हो सकता है कि 15, 20, 25, 30 या 40 लोगों के पास वीवीए की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो जैसे आपकी फाइल को देखेगा सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा, सीधे बोलेगा कि इस फाइल में वायरस है, बंद कर। अमित जी मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सही बात है, समझ गया ना। इसलिए दूसरी चीज, आपकी जो फाइल आप आजकल की चलन है, अधिकतर लोग फाइल को गूगल पे ही देख लेते हैं, गूगल सीट पे। जैसे कि आपने मेल किया तो इस फाइल को हम ओपन नहीं करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और मुझे गूगल स्प्रेडशीट में अपनी रिपोर्ट को देखना है। अब इस स्प्रेडशीट पे आपका वीवीए नहीं चलता है, समझे? तो दिक्कत हो गई थी सर। तो हम ऐसे फाइलों पे ना करेंगे, प्रिफरेंस देंगे एक्सेल को। दूसरा सिचुएशन, अब मान लीजिए कि मुझे एक काम एक बार ही मिला हुआ है, राइट? तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग क्यों लिखेंगे, हम मैनुअली कर लेंगे ना सर, क्या? अब मान लीजिए आप एक दिन के लिए कहीं स्टे करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप होटल में बुक करके रहेंगे, आप जमीन खरीद के मकान बना के फिर उसमें जाके तो नहीं रहेंगे एक दिन। जमीन खरीद के मकान बनाएंगे तब जब वहां पे आपको स्टेबल करना है या आपके किसी फैमिली मेंबर को स्टेबल करना है, क्या? तो ये बात इसमें है कि अगर आपका काम रिपीटेड, जैसे कि मुझे हर 10 मिनट पे हर आधे घंटे पे मेल करना होता है, आईडी जो हमने व्हाट्सएप किया है उसको मेल करते हैं, तो हमें हर आधे घंटे में जीमेल लॉगिन करनी पड़ती थी, कंपोज करना पड़ता था, ईमेल लगना पड़ता था, तो हमने एक मेल का कोड बना दिया। नेक्स्ट आप क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, ये मेल चली जाती है यहाँ पे इस फाइल में है, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ कि मैंने यहाँ पे अपना बैच का टाइमिंग डाला, इसमें डाल दिया रात के 9 बजे का टाइम। इतने अच्छे स्टूडेंट है हमारे, हम यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर दिया और फिर इसको सिलेक्ट किया और हमने हमारे पास माइक्रो है मेल का जिसका शॉर्टकट हमने कंट्रोल एम बना रखा है। तो जैसे मैं कंट्रोल एम पेस्ट करूंगा ये बैकएंड में ऑटोमेटिकली
क्रोम को ओपन करेगा, जीमेल लॉगिन करेगा, मेल को कंपोज करेगा, मेरी मेल आईडी डालेगा, मेरा टाइटल डालेगा, मेरा सब्जेक्ट डालेगा और मेरी लिंक को बॉडी पे पेस्ट करेगा और मेल कर देगा। ये सारा काम विद इन सेकेंड में समझे, तो इसलिए हमने बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो काम एक बार के लिए आया है उस पर हम रीवी का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हम आपको एक नया चीज दिखाते हैं, एक नई एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक वेबसाइट का ये है, वेबसाइट है हमारे पास जहां से हमें कुछ यूआरएल को कॉपी करने पड़ते हैं और यूआरएल की क्वांटिटी लाखों में है, तो हमने उसको कॉपी पे इंपोर्ट करा लिया इसमें से। हाँ जी, इसी को कॉपी करता हूं और एक्सेल के नई सीट पे इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर दिया, अब देखिए। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास वेबसाइट का लिंक आया हुआ है, इसके हाइपरलिंक भी लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस वेबसाइट में यहाँ पे देखिए इंडिया लिस्ट है। अब इंडिया लिस्ट क्या है? .com, .co, .in क्या है? लोकांटो है। .co, .in क्या है? खोजले। .co, .in क्या है? पता नहीं, बट इसकी जो एग्जैक्ट यूआरएल इसके हाइपरलिंक पे लगा है, तो हम एडिट करेंगे यहाँ से हाइपरलिंक और यहाँ से हम इसको निकाल के पेस्ट कर देंगे, एग्जैक्ट यूआरएल हमें पता चल जाएगा। अब घनश्याम जी, अज्यूम कीजिए कि आपके पास 1,00,000 डेटा है और राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपरलिंक करना है, हाइपरलिंक को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कितना टाइम लगेगा सर? अब बहुत फास्ट करेंगे तो एक दिन में 1,000 कर लेंगे या 1,500 या 2,000 कर लेंगे, फिर भी आपको 50 से 100 दिन लगेंगे। अमित जी, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, सही बात। अब इसी काम को बीबीए जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स में कर देगा। कैसे? इसके लिए भी हम फंक्शन बना देंगे। हम कमांड नहीं बना सकते, कमांड थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए हम फंक्शन हमने यूआरएल नाम कर दिया और बोला कि एल एज ए रेंज और फिर हमने बोला कि एल यहाँ पे यूआरएल इक्वल टू एल डॉट हाइपरलिंक, यहाँ पे हमने 1 दिया डॉट एल .address, ओके? अब मैं यहाँ पे URL का फॉर्मूला अप्लाई करके रेफरेंस को ले लेता हूँ। ओके? तो VBA का दो सिचुएशन में हम VBA इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारे पास रिपीटेड जॉब होगा, दूसरा हमारे पास लेंथी वर्क होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हम स्टार्ट करने से पहले एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होना क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि ये काम क्या एक्सेल से हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये इजी है या बहुत ज्यादा टाइम लेना है, ये डिसाइड करना। और मैंने पहले बता दिया कि अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए फाइल डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें VBA अवॉइड कीजिए। अगर डालना जरूरी है तो फिर डाल ही सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अवॉइड कर। आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप VBA को जितना मर्जी उतना इस्तेमाल करें। क्लियर है? अब चलिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। VBA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक कोड एप्लीकेशन और इसकी जो लैंग्वेज है वो मिलता जुलता है VB6 से। तो VB6 द डिफरेंट
VB6 के जरिए आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और VBA के जरिए आप एमएस ऑफिस को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके अंदर नए फीचर्स नए टूल्स को ला सकते हो। तो दोनों लैंग्वेजेस में समानताएं हैं लेकिन एक नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। और VBA सिर्फ एक्सेल के लिए होता है, एमएस ऑफिस के लिए होता है, लेकिन लैंग्वेजेस कुछ सेम होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होना लाजमी है क्योंकि हम एक्सेल में वर्कबुक शीट एंड सेल पे वर्क करते हैं और आपका वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट पैराग्राफ लाइन वर्ड, पावर पॉइंट में स्लाइड्स ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे आउटलुक में मेल्स होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग है। लेकिन इसमें लूपिंग कंडीशंस ये सब चीजें जो होती है, कनेक्टिविटीज, ये चीजें एक जैसी होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा VBA for Excel, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इससे, तो हम बनाएंगे इससे मैक्रो। तो मैक्रो होता क्या है, इट्स ऑटो पायलट। जैसे कि प्लेन में जो ऑटो पायलट होते हैं, आपके जो भी उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन डली होती है उसके बिहाफ से प्लेन को फ्लाई करते हैं, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे मैक्रो भी आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसके बिहाफ पे आपका काम करता है। जैसे कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए आप पहला स्टेप करते हैं कि आप एक फाइल ओपन करते हो, उसमें से डेटा कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो, कुछ कॉलम्स को डिलीट करते हो, फिर उस पर पिवट लगाते हो, फिल को अरेंज करते हो, चार्ट लगाते हो, फिर उस फाइल को मूव करते हो नई फाइल में, पिवट का लिंक तोड़ते हो, सेव एज करते हो और मेल करते हो। ये आपके प्रोसीजर है। अब उन इन प्रोसीजर को आप कोड के रूप में, मतलब कि VBA के लैंग्वेज के रूप में आप डालेंगे वन बाय वन, और नेक्स्ट टाइम जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रन करेंगे, वो आपका ट्रिगर हो जाएगा, चाहे शॉर्टकट के जरिए करें चाहे यहां से कीजिए किसी बटन के, उस चीज को उस स्टेप को फॉलो कर देगा और आपसे 1000 या लास्ट टाइम फास्ट करेगा। तो मैक्रोस इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है फंक्शन। तो मैक्रो में क्या होता है कि रिजल्ट आपका जब रन होगा तभी अपडेट होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे 20 और यहाँ पे 60 है, तो मैंने यहाँ पे G3 मैंने एक मैक्रो बनाया यहाँ पे सब यहाँ पे हमने बोला कि रेंज G3.value इक्वल टू रेंज E3.value प्लस रेंज F3.value। सर ये इसमें आपने लिखा हुआ है DIM dim और यहाँ पे स्टार्ट किया SUB VBA, तो लाइक ये मैक्रोज है, ये एक अलग मैक्रो है, ये हमारा एक अलग मैक्रो है, ये हमारा अलग मैक्रो है, यहाँ अलग है, तो सबसे मतलब फर्स्ट टाइम जो लिखना होगा वो क्या टाइप करना होगा सर, पहले आपको कोई चीज सब्जेक्ट लिखना है और अपना मैक्रो का नाम लिखना। ओके, उसके बाद यहाँ एज पर योर रिक्वायरमेंट लाइन लिखाएंगे। ये समझिए ना कि आपको एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जो जितना जो बोलना है वही बोलेंगे ना। ये समझिए ना कि आपका एक्सेल चाइनीज है, आपको इसको चाइनीज में बोलना है, जो बोलना है वही लिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई इन दोनों के वैल्यू को प्लस करके यहाँ दे दो, तो मैं इससे फालतू चीज क्यों लिखूं, मैंने बोल दिया कि भाई G3 की वैल्यू को रिप्लेस कर दो इनकी सम से,
ठीक है, इसी में समझाऊंगा आपको, आप पहली क्लास में ये नहीं हो, मैं इससे समझाऊंगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि फंक्शंस और मैक्रो में क्या देखते हैं। अब मैंने एक बार इसको रन कर दिया, रिजल्ट 80 आ गया। अब मैं यहाँ पे 30 कर दिया, अब यहाँ पे रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट कब होगा? जब मैं इसको वापस इसको रन करूं, समझे? ये मैक्रो है। तो आपने मैक्रो रन कर दिया और आपके इनपुट्स में कुछ चेंज हो रहे हैं, तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज कब होगा? जब दोबारा आप अपने मैक्रो को वापस रन करेंगे। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज कर दूं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है? या फिर यहाँ पे फंक्शन होगा, रीडे थ्रू फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन बना आपने लगाया हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा एंटर मारते ही अपने आप को अपडेट कर। तो फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि आप ऐसे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसको अपडेट करना चाहते हैं, समझे? एक्सेल के या ये कह सकते हैं कि जो एक्सेल में फॉर्मूले है, मुझे उसी में कुछ कस्टमाइज कुछ अलग फॉर्मूले चाहिए जो मेरे रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको वी लुकअप के बारे में बताया, मतलब ऑल वी लुकअप का बना के दिखाया आपको उस तरह से। तो फंक्शन एक्सेल को सपोर्ट तो करता करता है, वीबीए को भी सपोर्ट करता है, मैक्रो को भी सपोर्ट करता है। तो मैक्रो को सपोर्ट करता है, तो मैक्रो क्या सपोर्ट करता है? जैसे मान लीजिए मैक्रोज में आपको एक कैलकुलेशन या एक प्रोसीजर है जो कि 10 बार और उसकी कोडिंग 5 लाइन की है, तो आपको 5 लाइन को बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, उस लाइन को फंक्शन बना दिया और अब उसको कॉल कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ना कि किसी को आपको एक ही बात 10 बार बोलना है, तो आप 10 बार बोलोगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। आपने टेप रिकॉर्डर में ऑन कर लिया आपने बात को, जब उसको बोलना होता है तो आप प्ले करके सुना देते, तो एक टेप रिकॉर्डिंग की तरह काम करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है, वो होता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म हमारा इंटरफेस होता है। जब आप पॉपअप देते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने भी पॉपअप आएगा, ये जो पॉपअप आया इस तरह का डायलॉग बॉक्स, इस तरह की इंटरफेस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म, समझे? तो वीबीए के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा यूजर फॉर्म है, तो इस तरह से इसमें जो भी हम यहाँ से बटन डिजाइन करेंगे, उसमें कोड करेंगे, तब तो बाहर इस तरह से यहाँ पे शो होगा, जैसे कि हमारा बाकी ऑप्शन शो होता है। तो वीबीए के तीन दो पार्ट है, माइक्रो जो कि इम्पोर्टेंट है, मेन आपसे यही पार्ट है, फंक्शन इसको सपोर्ट करता है, यूजर फॉर्म भी इसको सबको सपोर्ट करता है, लेकिन एक इंटरैक्ट क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक माइक्रो बनाया, उसमें 10-20 इनपुट करने हैं, जैसे पिवट टेबल समझ लीजिए कि पिवट टेबल लगाने का आप एक माइक्रो क्रिएट करने जा रहे हैं, तो पिवट टेबल का ही ऑप्शन है ना, रेन से लेना है या एक्सटर्नल लेना है, व्यूवरशीट में देना है या एनर्जी वर्कशीट पे देना है। तो अगर मान लीजिए कि पॉपअप के जरिए नहीं पूछता, तो मुझे इतने सारे यहाँ पे 4 अलग अलग माइक्रोज का लिस्ट होता है, उस पर क्लिक करना होता है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, चारों ऑप्शन को एक में मिला दिया। अब यूजर जो सिलेक्ट करेगा उसी अकॉर्डिंग पिवट बनेगा। तो आप भी यूजर से इनपुट लर्न करते समय जो आप भी इनपुट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट जनरेट होगा। ये इस तरह का काम में आपको मदद करेगा यूजर, क्लियर है? यस अमित जी, घनश्याम जी, मोहित जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये थ्योरी पार्ट थी हमारी। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे डेटा में एक रिकॉर्डिंग मैटर होता है सर। तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैक्रोज का मतलब होता है रिकॉर्ड मैक्रो और वीवीए कोडिंग जो है वीवीए करता है, कोडिंग वाले को वीवीए बोलते हैं और रिकॉर्डिंग को मैक्रोज बोलते हैं। देखिए वीवीए के जरिए हम बनाएंगे मैक्रोज भी और रिकॉर्डिंग मैक्रो भी
आपका VBA में ही कन्वर्ट करता है। एक तरह से इंटरप्रेटर है कि आपने इसको रन कर दिया, प्ले कर दिया, अब मैं इसमें कुछ भी करूंगा, देखिए अपना वैल्यू डालेंगे, तो इस वैल्यू को डालने का जो कोड होगा उस कोड को जनरेट खुद ब खुद राइट कर देगा, खुद ब खुद माइक्रो लिख देगा, जैसे बिल्कुल स्टोरी राइट। एक तो आपने मन से बना के स्टोरी लिखा, और दूसरा कि आपने स्टोरी राइटर का ऐप यूज कर लिया, उसने सिचुएशन डेट टाइम मोटिव को देख के अपने आप उन्होंने एक कोड आपको एक स्टोरी दे दी, इससे उसी तरह से। लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रिकॉर्ड करते समय जो मैक्रोज का कोडिंग हम देखते हैं वो और हम जो खुद से लिखते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है, जाहिर सी बात है ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, VBA भी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मान लीजिए आपको बॉस से छुट्टी मांगना है, तो अगर आपको वर्बली मांगना है तो जाके बोलोगे बॉस कल मैं नहीं आऊंगा, प्रॉब्लम है। आप ये नहीं करते कि डियर बॉस कंपनी का नाम लोकेशन आई हैव रिक्वेस्टेड टू लीव क्या लास्ट ऑफ थैंकिंग, ये तो आप नहीं लिखेंगे ना। या फिर आपको अगर छुट्टी का एप्लीकेशन दे रहा है सीधे लिख तो लिख देंगे बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए, प्रफॉर्मर फुल करेंगे। तो जहां आप लिखित जहां आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होता है तो VBA खुद को ऑफिशियल लैंग्वेज देता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं मतलब हम इससे बातचीत कर रहे हैं तो इसको आपको जितना जरूरत होता है उतना ही बोलते हैं, फालतू की चीजें बोलने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं। अब बेसिक कंसेप्ट और कैसे क्लियर होगा, तो जब मैं खुद लर्न कर रहा था आज से तकरीबन वही 12 साल पहले, तो हमने एक वेबसाइट पे देखा था, वो वेबसाइट अभी भी चल रहा है, excel-vba.com। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं 33 सेक्शन, 3 सेक्शंस हैं और चैप्टर्स हैं। तो अब पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन जितना हो सके आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो, उनके फीचर्स, उसको एडिट कैसे किया जाता है, उनके बारे में। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ